बिल्कुल फ्रेश सोयाबीन निकल रही है ये यहाँ। सोयाबीन कटिंग का काम हरी सिंह से चल रहा है और ना मजदूरों की जरूरत है, ना पाल और ना पल्ली और ना ट्रैक्टर मशीन कुछ की भी नहीं है। ये मशीन वाले क्या हो गया इनको, क्या हो गया? ये होस पाइप थोड़ा लीकेज है, चूहे ने लीकेज कर दिया। चूहे ने लीकेज कर दिया होस पाइप। ये अभी खेत काट रहे हैं तो दिखाते हैं वो कैसे काटता है खेत पूरा। आप भी देखते रहिए, पूरा वीडियो देखिए। ये पंजाब से आए है ना? पटियाला से आए हैं सर। ये फोरमैन कर रहे हैं, देखिए ये इनको पूरा अनुभव रहता है। और ये 1.5 से 2 महीने के लिए आते हैं हमारे MP में। और ये भाई साहब की गाड़ी चलाते हैं ना? जय श्री राम। क्या हो रहा है? बहुत बढ़िया है। सोयाबीन अच्छी कट रही है, एक नंबर। हाँ, खेत में नमी बहुत है यार, यहाँ पे नमी है, उसके बाद कारण थोड़ा गीला है। हाँ, फिर भी सोयाबीन अच्छी काट रही है, एक नंबर है ना। ये कटर चालू हो गया है, मशीन का काम चल रहा है सोयाबीन कटिंग का। ये देखिए आपके सामने सोयाबीन की हाइट कम होने के बावजूद भी सोयाबीन अच्छी निकल रही है, कट रही है। यहाँ पर कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं हो रहा है। और ये सोयाबीन का खेत है, 95 सोयाबीन है, ये हार्वेस्टिंग हो रही है, देखिए आपके सामने। और अच्छी तरीके से कट रही है, ये छोटी होने के बावजूद भी सब फलिया सब आ रहा है इसमें। ये आपके सामने चल रहा है मशीन, ये देखिए। अगर सोयाबीन की हाइट अगर अच्छी है, बड़ी है आपकी, तो सोयाबीन इतनी शानदार निकलती है मशीन से। और जो मजदूर से काटते हैं आप देख लीजिए, आप बिल्कुल एक नंबर सोयाबीन कट रही है। नमी यहाँ बराबर नहीं है, वो टायर देख लीजिए कितने बैठ रहे हैं, उसके बावजूद सोयाबीन की कटिंग बहुत शानदार हो रही है। मशीन एक नंबर निकाल रही है ये, और देखिए कितनी मशीन घट रही है ये आपके सामने। ये मशीन चल रही है, ये खेत में बराबर नहीं है दोस्तों, इसलिए देख लीजिए आप टायर कितने ये बैठ गए हैं। और ये देखिए खाली खाई पड़ गई है ये, और इसमें बराबर ना होने के कारण नुकसान भी हो रहा है ना। हाँ, नुकसान हो रहा है, नहीं आ रही है। हाँ, अगर उस खेत वाले में अच्छा बराबर था। हाँ, उस खेत में तीन बीघा बहुत अच्छा बराबर। हाँ, तो वो एक नंबर कटा है। हाँ, गाड़ी अगर टायर गड़ेंगे पहिए तो वो तो फिर ऊंचा नीचा चलता है क्या, इसलिए तो नुकसान हो रहा है। गाड़ी गड़ जानी है। हाँ, आपके सामने ये देखिए कितना टायर गड़ गया यार। अब ये ऊपर से फिर काटती है ना ये इस खेत में, उसका ऊपर वाला खेत इनका था वो एक नंबर कटा, और इसमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। ये रह रहे हैं इसमें ऊँचे ऊँचे फलिया रह जाती है। फिर अगर अच्छा भरा हो, अगर हाइट अच्छी होती है तो एक नंबर मशीन काटती है सोयाबीन। अब पर मजबूरी है किसान की भी, रोजाना पानी आ रहा है और फसल बिल्कुल सूख गई है। अगर इसको नहीं कटाए तो ये अपने आप गिरती है फलिया, और दाने सब बिखर जाते हैं। देख लीजिए इससे चला ही नहीं जा रहा है मशीन से, और ये बाहर ही नहीं निकल सकती है खेत में। आप देख लीजिए ये बड़े बड़े गड्ढे हो गए टायरों से, फिर भी बेचारे चला रहे हैं और फसल को काट रहे हैं। पर इसमें नुकसान हो रहा है दोस्तों, अगर आपके भी खेत में ज़्यादा नमी है तो सोयाबीन हार्वेस्टर से ना कटाए, थोड़ा सूखने के बाद में ही अपने खेत की सोयाबीन को हार्वेस्टिंग कराए। अगर आपका ऐसा गीला खेत रहेगा तो आपको बहुत दिक्कत रहेगी, और आपका सोयाबीन ढंग से कटेगा नहीं। और इस तरह से देख लीजिए आप, ये जो सूखा खेत है, इधर थोड़ा सूखा है, इधर गीला था, इसमें टायर भी नहीं बैठ रहे हैं और फलिया भी नहीं रह रही है। नीचे से मशीन चलती है, देखिए आप बिल्कुल एक तरीके से अच्छा काटती है सोयाबीन। और जहाँ गीला खेत है वहाँ बहुत दिक्कत आती है, इसलिए आप भी ध्यान रखिए। अगर आपके
खेत ज़्यादा है तो एक दो दिन रुक जाए, उसके बाद ही सोयाबीन को हार्वेस्टिंग कराए। अगर आप ऐसे गीले में निकाल देंगे तो उसमें बहुत नुकसान होता है। इस तरह से ये सोयाबीन इधर का खेत सूखा हुआ है तो ये अच्छा कट रहा है और ये खेत भी नहीं घूम रहा है और ये मशीन अच्छी तरीके से चल रही है और टायर भी ज़्यादा बैठ नहीं रहे इसमें। ये आपके सामने है, ये गांव ढोलाना के किसान, ये सोयाबीन निकल रही है इनकी। और ये देखिए, ये हमारे भाई साहब आशीष जी है ना, ये फौजी है और ये किसान बन गए हैं। आज देश की सेवा कर रहे थे ये, तो आज ये खेत की सेवा कर रहे हैं और ये अपनी सोयाबीन निकालने के लिए आज खेत पर आ गए हैं, छुट्टी मना रहे हैं ना। हाँ सर, आपका नाम क्या है? अच्छा, आपका खेत है ये? हाँ, आपका नाम सर? कमल पाटीदार। आपका? आशीष जाट। और आपका सर? अखिलेश त्रिपाठी। आपका? आविष त्रिपाठी। और पीछे वाले? दीपक जाट। दीपक जी, और ये सब सोयाबीन के ढेर पे बैठे हैं, देख लीजिए। ये हवा लगा रहे हैं इनको ना, ये सुखा रहे हैं। माल ही देख रहे, माल आए। और माल देखिए साहब कितना निकला है, क्लियर, ना मिट्टी है, बिल्कुल क्लियर माल, ना फली है, ना कचरा है, कुछ भी नहीं, क्लियर माल है। ग्रेडिंग वाला? ग्रेडिंग कर दे, ऐसी सोयाबीन हो गई है। ग्रेडिंग करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, मशीन ऐसी अच्छी है इनकी भाई साहब की, ये सर की है इनकी मशीन, ये दोनों है ना, ये इनकी है। क्या बीघे में काट रहे हो आप? 1200 रुपये बीघे में। और दिन भर में कितने बीघे काट से लेते हो? गीले के हिसाब से और सूखे के हिसाब से कुछ अलग अलग चलता है ना। हाँ, अगर सूखा अच्छा मौसम हो तो कितने बीघे निकाल देती है? 50 बीघे में निकल जाता है। 50 बीघा, और गीला रहता है तो? गीला रहता है तो 20 बीघे 25 बीघे। 20 से 25 बीघा। अच्छा ये बताइए, सोयाबीन की हाइट कितनी चाहिए इसमें? हाइट का तो कुछ कह नहीं सकते, पर फिर भी अगर नीचे से फली 3 इंच ऊपर हो तो हाँ, अच्छी कटिंग होती है। अगर छोटी होगी रहेगी तो वो नीचे पापड़े रह सकते हैं फलियाँ, नीचे की कटाई में दिक्कत। अगर सोयाबीन की हाइट अच्छी है तो वो एक नंबर निकलती है। और हमने आपको दिखाया वीडियो में, जहाँ छोटी सोयाबीन है वहाँ पर थोड़ी फलियाँ रह सकती है और जो अच्छी हाइट वाली सोयाबीन है वहाँ फली नहीं रहती है। और ये किसान है भैया बंटी जी चौधरी बनना, इनका ही खेत पर आए हम और इनकी सोयाबीन। क्या धूप लगाओगे? धूप लग गई, अब ट्राली भरोगे? सूखा माल निकला, सूखा बिल्कुल ग्रीन माल। और अच्छा निकाला इनकी मशीन ने, बहुत जोरदार। हाँ, इसमें कुछ कंकर वंकर भी नहीं आया, मिट्टी भी नहीं आई, और ना फली आई है और ना काटली आई है ना, फ्रेश माल निकाला है। अच्छा फ्रेश निकला ना, संतुष्ट हो आप? बढ़िया संतुष्ट हो। हाँ सब संतुष्ट हो गए हैं भैया भी, सब हो गए, हम भी हो जाएंगे। खाली हो रहा है दोस्तों, ये देखिए आपके सामने, और सोयाबीन बहुत फ्रेश निकल रही है, उसमें मिट्टी भी नहीं आ रही है और ना फली आ रही है और कचरा कुछ बचा कुछ भी नहीं है। जैसे ग्रेडिंग करते हैं ना अपनी सोयाबीन, उस प्रकार से इसमें से निकल रही है बाहर। आपके सामने है ये सोयाबीन का ढेर, बिल्कुल साफ सुथरा है। और सोयाबीन अगर खेत अच्छा होगा आपका, सोयाबीन की हाइट अच्छी होगी, इस तरह से आपकी सोयाबीन में कचरा बिल्कुल कुछ भी नहीं आएगा। देखिए आपके